सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे यूट्यूब चैनल देसी ढाबा को। सब्सक्राइब के पास बेल आइकन को दबाएं जिससे आपके पास हमारी नई वीडियो पहुंच सके। जिन्होंने हमारे चैनल को देखा है और सब्सक्राइब कर दिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, मैं सपना मुकेश देसी ढाबा में आप सभी का खुश स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ एक खास रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो चलिए हम देखते हैं इसे हमें बनाना कैसे है। इस चम्मच से हमने आधी चम्मच इसमें तेल डाल दिया है, तेल गरम हो गया है। आधी चम्मच हम जीरा डाल देंगे, आधी चम्मच सौंफ डाल देंगे, ये मीडियम साइज का एक प्याज है इसे हमने बिल्कुल बारीक काट लिया, एक हरी मिर्च है इसे भी हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया। बिल्कुल मीडियम आंच है इसे हम सौते कर लेंगे। ये हरी धनिया और अदरक का पेस्ट है इसे हम थोड़ा सा डाल लेते हैं। और इसे हमें ज्यादा तेज आंच में फ्राई नहीं करना है, हल्का हल्का करना है कि हल्की गुलाबी प्याज हो जाए, बस इतना हमें इसे सोते करना है। ये हम झोल तैयार कर रहे हैं, रसा तैयार कर रहे हैं। जैसे हम समोसा कचौड़ी आलू बड़े वगैरह खाते हैं तो खटाई यदि हमें पसंद नहीं है, किसी कारण से परहेज रहता है, तो उसके अपोजिट ये रस जो है ना बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा लगता है। एक बार आप बनाकर देखेंगे इस रस को, इस झोलिया को, तो आप हमेशा इसे ही बनाएंगे क्योंकि इतना टेस्टी लगता है। ये हल्की सी डीप फ्राई हो गई है तो इसमें हम आगे मसाले ऐड कर लेते हैं। आधा चम्मच इसमें हम धनिया पाउडर ले लेंगे, कश्मीरी मिर्च, ज्यादा तेज नहीं रहती है इससे कलर अच्छा आ जाता है। मसाले और प्याज मिर्च अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। एक खाने का सोडा है इसमें जरूर ऐड करना है, खाने के सोडे से ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो ये 2 से 3 चुटकी खाने के सोडा है इसको हम डाल देते हैं। ये धनिया है सुधारा हुआ कटा हुआ, अभी हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ हम आज तेज कर देंगे और इतने मसाले में हमें पूरा 1 गिलास पानी लेना है। अब हम इसे उबलने देते हैं। ये समोसा कचौड़ी आलू बड़े के साथ खाने के लिए ग्रेवी तैयार हो गई है और इसे आप सेव की सब्जी भी समझ सकते हैं। यदि आप प्लेट में इस रसे को डालेंगे, सेव डालेंगे, तो इसे आप रोटी पराठे के साथ भी खा सकते हैं। देखिए अच्छे तरह से उबलने लगी है, अब हम गैस बंद कर देते हैं। वैसे हमें समोसा कचौड़ी के साथ कैसे खाना मैं आपको बताती हूँ। ये झोल बनकर तैयार हो गया है, अब हम इसे इसके साथ देखिए इसकी वीडियो भी मैंने झोल के पहले ही डाली है, आप इसे जरूर देखिए। और इसे समोसा कचौड़ी के साथ, आलू बड़े के साथ, स्नैक्स के साथ आप खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसमें आपको इमली की चटनी या टमाटर सॉस वगैरह कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही खाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे लगेंगे। तो देखिए मैंने आपको एक बहुत अच्छी स्पेशल रेसिपी दी है, आप जरूर इस ग्रेवी को, झोल को, रस को बनाकर देखिए, ट्राई करिए और मुझे जरूर बताइए। मैं एक नई वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। नमस्कार दोस्तों।